आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ, मैं ये देख सकते हैं मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये देखो मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। तो यहाँ पे सारे वेजिटेबल कट हो गए हैं जो कि मेरे हस्बैंड ने कट किए हैं। अभी नितिन बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड मत बोला कर। और यहाँ पे मैक्रोनी मैंने बॉयल कर लिया है, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ऑयल गर्म है। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च, और देख सकती है हरी मिर्च। मैक्रोनी को थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मतलब दो चार ड्रॉप ऑयल डाल के आप इसको अच्छे से बॉयल कर लो, जिससे कि एकदम सॉफ्ट हो जाए। इसको ठंडे पानी से इसको धो लेना है, ये सबको पता है इसमें क्या नया बनाना। लेकिन अभी हमें खाने का मन हो रहा था। और माइक का भी आप लोग बताना कि आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने चिमनी की जो मतलब चिमनी में बहुत ज़्यादा शोर होती है और सारा कुछ ऑन है, तो उसके साथ मेरी आवाज़ कैसी आ रही है तो प्लीज़ बताना। और यहाँ पे मिर्च मैंने डाल दिया, ये देखो। इसके बाद मैं प्याज डाल दूँगी। फटाफट से बना लेती हूँ। प्याज डालने के बाद जो भी आपकी ग्रीन वेजिटेबल आपने कट किया वो डालने हैं। फिर आपको डालना है मैजिक मसाला, उसके बाद आपको डाल देना है ये मैक्रो। सो यहाँ पे बन चुका है, और ये थोड़ा सा इसलिए बनाना क्योंकि हम बनाने जा रहे थे चाउमीन, ठीक है। और चाउमीन जो रखा हुआ था उसमें पड़ गए थे कीड़े, क्योंकि काफ़ी टाइम से आया था तो मैंने उठाकर फेंक दिया। तो उसके बदले में जितनी वेजिटेबल कटिंग हुई थी वो सब मैंने इसमें डाल दिया, इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया है। क्योंकि वेस्ट करने से अच्छा था कि मैंने सोचा कि चलो वेजिटेबल किसी तरीके से खा भी लेंगे। तो फाइनली बन गया है और हम सर्व कर लेते हैं यहाँ पे दो प्लेट। तो ब्रेकफास्ट कम लंच ब्रंच बन रहा हमारा। इसका डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ कि आज सुबह से उठ के हमने क्या किया है। सुबह से उठ के हमने चाय पिया पहले, और उसके बाद मैं फटाफट नहाई हूँ, मंदिर गई हूँ, मंदिर से वापस आई हूँ। उससे पहले मैंने आलू उबाल दिया था, आटा मार के रख दिया था, और फटाफट आते ही पराठे सेकने स्टार्ट कर दिए, जैसे बिकॉज नितिन को ऑफिस जाना था। और मैंगो शेक बनेगा अभी, तो इसके साथ ही साथ हमारी ब्लॉगिंग भी होगी आज। ये ले लीजिए पराठे। मुझे पेट पेट भरेगा ठीक बात है। क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने इसमें मैंगो डाल दिया, तो दो मैंगो डाल दिया है फिर भी मतलब पतला नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसे पल पल नहीं डालूंगी, डायरेक्ट दे देती हूँ इनको। तो गाइस ये जा रहे हैं। सो गाइस ब्रेकफास्ट तो इनका बस खा के आज जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे। तो आलू के पराठे खा लिए, और हाँ और क्या, ये नहीं बताना होता, कुछ बताना ही नहीं होता, व्लॉग में कुछ पड़ता ही नहीं, बस आके ऐसे मैं बोलूँगी ना वही व्लॉग पड़ेगा। हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा जुकाम इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर दिया था। एक्चुअली जुकाम नहीं है, मुझे ना एलर्जी की प्रॉब्लम हो रखी है, बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई है लास्ट ईयर से, कुछ ज़्यादा ही मुझे एलर्जी हो रही है। तो मतलब कभी फ़ैन चलता है अगर उसमें से धूल थोड़ा सा निकल आया तो उससे मुझे एलर्जी हो जाती है। क्या है फोन मेरा, हाँ। और एसी की जो हवा चलती है ना डायरेक्टली अगर आपको उस फेस पे लगती है तो भी मुझे एलर्जी हो जाती है। समझ ही नहीं आता है कि मुझे इतनी एलर्जी क्यों होती है। अभी तो मैंने पैथोलॉजिस्ट को कॉल किया था जो ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए होते हैं, तो एक दो लोग को जानती हूँ जिनको मैंने बोला था, तो उन्होंने बोला था कि हाँ आ जाएंगे, बट वो खुद ही घर चले गए थे। और मैंने आज कॉल किया कि भैया आप आए नहीं, कल मेरा आके एलर्जी टेस्ट का सैंपल ले जाओ। तो बोल तो रहे कल आके ले जाऊँगा, और देखते हैं कि वैसे बता रहे थे कि उसे पूरी प्रोफाइल होती है एलर्जी का, जो टेस्ट होता है उसमें खाने पीने का, डस्ट, सब कुछ हर तरीके से एलर्जी का उसमें डिक्लेयर हो जाता है कि आपको किस किस चीज़ से एलर्जी है। खाने मतलब खाने वाली चीज़ें तो उसमें क्लियर आ जाता है कि किस किस चीज़ से एलर्जी है। धूल वगैरह का मुझे नहीं पता है, बट मैंने स्पेशली उनको बताया हुआ कि मुझे एक्चुअली एलर्जी कैसे होती है। यार इससे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो आँखें देख सकते हैं इतनी ज़्यादा मतलब पानी पानी आँखों में हो जाता है ना, बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा मुझे जुकाम होता है, जुकाम जब होता है मैं कोई काम भी नहीं कर पाती, इतना मुझे छींक आता है। देखते हैं रिपोर्ट में क्या आती है टेस्ट के बाद से। तो बस आज दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है हमारी, और बस मैंने सोचा कि चलो यार ब्लॉग तो कम्प्लीटली करना है, क्योंकि यार
मेरा जो इनकम होगा मेरे वीडियोस के थ्रू ही इनकम होगा। अगर वीडियोस नहीं डालूंगी तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे ना, तो वीडियोस तो डालना ही पड़ेगा चाहे तबीयत खराब। और ये देखो ना बाल मेरे कितने झाड़ू हो गए, देखो ये मेरे 8000 रुपये बर्बाद हो गए। 8000 बर्बाद करने के बाद बालों की ये दशा है। इस पर कौन कौन चाहता है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ? जिस सलोन से मैंने कराया है ना, बहुत ही फेमस सलोन है, लेकिन उसने मेरे बालों की ना तहस नहस कर दी है। मतलब इतना गुस्सा मुझे आया था ना कि उसने मतलब मेरे पूरे बाल ख़राब कर दिए हैं। और सीरियसली मेरे पास टाइम नहीं अलग से हो रहा है कि मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँ, कि इसको बताऊँ तो सही कि भाई ये बंदे लोग किस तरीके से कस्टमर के। बट कोई नहीं, जल्दी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि एक्चुअली मेरे बालों में क्या क्या प्रोसीजर किया गया था, जिससे कि आप लोग भी अवेयर हो जाओ। तो अभी वीडियो स्टार्ट हुई है, देखते मेरा छींक कितना मुझे कंट्रोल करता है, वीडियोस बनाने देता है कि नहीं देता है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, तब तक वीडियो में तो बने रहिए। चप्पल चप्पल से क्या हो गया है बाल में? क्या करा गया हो? पॉटी लगा ली थी। तो पॉटी लगती है क्या बाल में? बार बार गाइज ये क्लिप तो कटेगी नहीं, ये तो मैं डाल दूंगा। तो ये देखो मैंने खुद से अपने घर की सफाई करी है। देखो जब खुद से साफ करो ना घर एकदम चमकता है पूरा, क्योंकि आज से हमारी मैड जी छुट्टी पे चली गई हैं और हम लोग को काम करना है, ये थोड़ा सा हेल्प करा नहीं जाए। तो ये देखो सारा कुछ रेडी हो गया है, अब बस लंच प्रिपेयर करने जा रही हूँ। बस ये सब सेट कल कर रही थी, थोड़ा सा यहाँ से हटा दूँगी जिससे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा ना पूरा फैला था सामान ये सब, यहाँ पे इसको सब सफाई पर कर लिया था। ये सब सेट हो गया है तो थोड़ा बहुत इतना है, इसको बर्तन वगैरह बहुत ओवर हो गया है, उसे खाली करूँगी वरना वीडियोस बनाती हूँ ना तो बैकग्राउंड सब दिखता है। सो गाइस नितिन ऑफिस चले गए हैं और अभी दिन में मेरा आज बहुत जल्दी काम ख़त्म हो गया था। ये होता है कि अगर खुद से काम करते हो ना, पसीना सा मुझे रखा भी मूड होके आ रही हूँ, लेटी हुई थी मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट होगा तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ काम ही कर लेती हूँ अपना। तो नितिन को ऑफिस जाने के बाद से मैंने 12:30 बजे तक सारे काम मेरे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि घर का सब कुछ 11 बजे तक ख़त्म हो गया था, पूजा वगैरह सब कुछ मेरा सब 11 तक कम्प्लीट हो गया था। और अगर हमारी काम वाली दीदी रहती है ना तो समझ लो 12:30 से हमारे यहाँ काम स्टार्ट होता है, क्योंकि उनका टाइम ही 12:30 बजे है, तो फिर वो 1:30-2 बजे तक सफाई वगैरह होता है। इस चक्कर में इतना ज़्यादा लेट हो जाता है ना, पूरा का दिन हमारा बर्बाद हो जाता है। आज मतलब मुझे यकीन ही नहीं होता, 12 बजे से लेके मेरे पास मतलब 5 बजे तक इतना ज़्यादा टाइम था, और उतने टाइम ही मैंने अपने कुछ वीडियोज़ वगैरह एडिट के हाथ में दर्द होने लगते यार। सो आज मेरे 2 वीडियोज़ मैंने बना लिए थे अपने, और किचन से रिलेटेड जो मेरे शॉर्ट्स, आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, क्योंकि किचन से रिलेटेड जो शॉर्ट्स वीडियोज़ आजकल मैं डालती हूँ ना, तो उसकी 2 वीडियोज़ मैंने कंप्लीट कर लिए थे। अभी कुछ और वीडियोज़ मुझे बनाने थे, तो मैंने सोचा वीकेंड टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हम मैच चलता रहता है तो बिल्कुल मन ही नहीं होता है, क्योंकि पूरा टाइम मैच कूलर वगैरह चलता रहता है तो कुछ वीडियोज़ बनता ही नहीं है। तो अभी जा रही हूँ वीडियोज़ बनाती हूँ और आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली की कैंडी, और इमली की एकदम मतलब मुंह में पानी आ जाता है इमली की कैंडी का नाम सुन के, क्योंकि इमली कैंडी हम लोग खरीदने जाते हैं ना तो 100 रुपये में इतनी सा मिलता है। तो चलिए घर पे बनाते हैं। 20 रुपये की इमली लेके आई हूँ, पैकेट वाली जो 10-10 के पैकेट मिलती है वो मैं लेके आई थी, तो उसी की कैंडी बनाऊँगी। सो गाइज फाइनली मेरे 2 वीडियोस तो बन गए। भाई साहब शॉर्ट्स वीडियो की एडिटिंग करना ना, शॉर्ट्स वीडियो क्रिएट करना उसकी एडिटिंग करना बड़ा टफ काम लगता है। व्लॉग में क्या होता है ना कि नॉर्मली हम बात करते हैं यही व्लॉग बन जाता है, बट जो शॉर्ट्स में छोटे छोटे क्लिप्स को ऐसे मतलब ट्रिम कर करके जो वीडियोज़ बनती है ना, मतलब पूछो मत यार, दिमाग गर्म हो जाता है सच में। सो गाइस रात के 9:15 बज गए हैं, चाय बना के लेके आई हूँ, और देख सकते हो पूरे घर में मैंने ना कपूर जलाई हुई है, और मैंने एक डिफ्यूज़र मंगाया था। पहले मेरे पास डिफ्यूज़र था बट वो काफ़ी दिन चलने के वजह से ना ख़राब हो गया था, तो फिर मैं काफ़ी दिन सोच रही थी मंगाने के लिए। देखो ना यहाँ पे ब्राइटनेस ही नहीं है, कौन बैठे, थक गई हूँ यार, मन नहीं कर रहा है वीडियोज़ बनाने का। तो हाँ सो मेरे पास पहले का एक डिफ्यूज़र था, वो बेसिक वाला था तो वो ख़राब हो गया था, और ये जो हैवी वाला मैंने मंगाया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ये वाली मंगाई है। तो ये वाली जो मैंने मंगाई है ना, तो ये वाला अच्छा है, मतलब इसके पहले भी मैंने ऑर्डर किया था उसको एक्सचेंज करके इसको मंगाया है, लाइक उसको रिटर्न कर दिया,
फिर मैंने इसको मंगाया, तो वो भी काफ़ी अच्छा था, बहुत ही यूनिक सा था, लेकिन ना उसका कुछ ख़राब था कि लाइट नहीं जल रही थी उसमें। आप देख सकते हैं, ये देखो। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। और ये कपूर डिफ्यूज़र का अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।